वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जाकै निकट न आवै कोई, सगल सृष्ट उआ के चरण मल धोई। जिन्हां पुरखां दे कोई नेड़े भी नहीं आउंदा सी, परंतु नाम दे जपन करके सारी सृष्टि ही उन्हां दे चरण मल मल के धोंदी है। जदों सतगुरु जी संसार दी कल्याण करदे होए भाई बाले ते भाई मरदाने दे समेत दीपालपुर नगर जिला मिंट गुमरी विच पहुँचे। उस नगर विच जिथे सतगुरु जी बैठन उत्थे मंदी मत वाले लोग सतगुरां नूं उठा दिंदे ते मंदे बचन बोलदे। जदों लोकां ने पिंड दे नेड़े किते भी बैठन ना दिता तां सतगुरु जी नगर तों बाहर खेतां वल तुर पे। तां एक सुक्का पिप्पल ते एक कुली नज़र आई। उस पिप्पल दे हेठां सतगुरां ने डेरा कीता। गुरु पातशाह जी दे चरण पैण करके इस पिप्पल दे भाग जागे ते शिन विच ही हरा भरा हो गया। इस पिप्पल दे नेड़े जो कुली सी उस विचों बड़ी दुख भरी हाए हाए दी आवाज़ आ रही सी, जिसनू सुन के सतगुरु जी उस कुली वल तुर पे। इस कुली विच नूरी नौरंगा नाम दा फकीर रहिंदा सी, जिसनू कोढ़ होण करके लोकी नूरा कोढ़ी कह के घिरना नाल पुकारदे सन। इस दे शरीर विचों लहू पीक हमेशा वगदी रहिंदी। सतगुरु जी इस कुली दे दरवाजे ते जा पहुँचे तां खड़ाक सुन के फकीर बाहर आया ते दूरों नमस्कार कीती। सतगुरां दे दर्शन करदे ही फकीर दी पीड़ा दूर हो गई ते मन नूं कोई शांति आई। फकीर हथ जोड़ के कहन लगा कि हे दया निध, मेरे नेड़े तां कोई जानवर भी नहीं आउंदा, फिर तुसीं किस प्रकार मेरे कोल आए हो। श्री नानक प्रकाश उत्तरार्ध दे अध्याय पच्चवें विच कवि राज कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, कह फकीर बंद कर दो, मोर समीप न आवत को, खग भागें पिख गिनती क्या नर, तुम आए मोह पर करना कर। इउं जितनी देर तक सूरज दी लो नाल सतगुरां दा दर्शन हुंदा रिहा, उतनी देर तक पीड़ा तो आराम रहा। जदों रात दे हनेरे कारण दर्शन होने बंद हो गए तो पीड़ा फिर वधनी शुरू हो गई, जिस करके बेवस हो गया ते हाए हाए दा विरलाप करन लगा। इस दे कष्ट नूं दूर करन वास्ते अद्धी रात तो बाद सतगुरां ने कहा कि मरदानिया रबाब सुर कर, बाणी आई है। तो सतगुरु जी ने यह पावन शब्द जो कि तनासरी राग विच पावन अंग 661 ते सुभायमान है ये उचारिया। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जै तन बाणी विसर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए। यह बचन कहण नाल सतगुरां ने उसका कोहड़ मेड़ दिता ते वह फकीर राजी हो गया। पिप्पल हरा होना अते कोड़ी फकीर दे कोहड़ दी निवृत्ती दा पता जदों नगर वासियां नूं लग्गिया तां उह अपनी भुल बखशाउण लई सतगुरां दे चरनी आ पए अते अपनी भुल बखशाई। फिर गुरु जी ने कहा कि इस थां धर्मशाला बनाओ। इस फकीर नूं धर्मशाला दा मुखी समझ के इस कोलों उपदेश लिया करो। इउं सतगुरां ने एक कोहड़ी दा कोहड़ दूर करके उस नूं लोकां दे पूजण योग बना दिता। इउं सारे उसदे चरण पूजन वाले हो गए जिस दे कोल कोई नहीं सी आउंदा।